नेक्स्ट ये कहता है कि सॉलिड स्पीयर एम रेडियस आर रोटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। एक सॉलिड स्पीयर अपने खुद के डायमीटर पे रोटेट कर रहा है, सेम मास है, सेम रेडियस है और ज्योमेट्रिकल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ट्वाइस है द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब एक सॉलिड स्पीयर है, मास एम रेडियस आर रोटिंग अबाउट इट्स डायमीटर एंड ए सॉलिड सिलेंडर, अब सेम मास सेम रेडियस रोटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, दोनों एक सॉलिड स्पीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों अपनी खुद की एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है समझना, दोनों अपनी खुद की एक्सिस पर ओमेगा, इसका मास एम है और इन दोनों का मास और रेडियस सेम है, ठीक है, बट विथ एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस दैट ऑफ द स्पीयर, मतलब अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसका टू ओमेगा है सिलेंडर का, ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पहले की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, पहले की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका मैं लिख सकता हूं, तो यह आ जाएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का बोल दो 2mr² / 5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले का बोल दो सिलेंडर का हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर है, तो mr² / 2 सॉलिड है ना भाई, रेडियस सॉलिड से, हाँ डिस्क के बराबर होगा, mr² / 2 और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 4ω² इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी रेशियो निकालनी है, डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी सेकेंड में डिवाइड कर दोगे तो ऊपर बचेगा ये 2mr² ω² और 10, डिवाइड कर दिया जाए नीचे में 4mr² ω² डिवाइडेड बाय 4, काट कुट लेना इसको यार, तो mr² ω² के 4 ने 4 के मतलब 1:5, ठीक है ना, 1:5 जो है, हाँ हम लोगों का प्यारे बच्चों ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है।